हेलो मेटलर्जिस्ट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक कुमार है। तो ये स्टील मेकिंग का तीसरा लेक्चर है। शुरू को दो लेक्चर में मैंने आपको पूरे स्टील मेकिंग का एक ब्रीफ पूरा सीक्वेंस बताया था, शुरू से लेकर आखिर तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं स्टील मेकिंग में, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल होती है, स्टील कैसे बनता है, ये सारी मैंने चीज़ें बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि LD कन्वर्टर में कैसे स्टील का प्रोडक्शन होता है, उसका वो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, पहले क्या चार्ज करते हैं फिर क्या करते हैं, ये पूरा चीज़ मैंने सेकेंड लेक्चर में पूरा समझाया हुआ है। तो ये तीसरे लेक्चर में हम LD कन्वर्टर स्टील मेकिंग को ही हम थोड़ा सा आगे और पढ़ने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने शुरू के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो दो वीडियो देख लीजिए, तब जाके ये तीसरा वीडियो आप देखिए। तो चलिए ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पिग आयरन के अंदर, जो कार्बन है, सिलिकन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी जो होती है इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको हम ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्शन कराते हैं, हाई स्पीड में ऑक्सीजन ब्लोइंग जब कराते हैं तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है, और ऑक्साइड बनने के बाद जो कार्बन है वो तो गैस बन के उड़ जाती है, जो बाकी ऑक्साइड है उसको हम क्या करते हैं, फ्लक्स डाल करके स्लैग बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। अब उसी में थोड़ा सा डीप देखते हैं और डीप समझते हैं क्या होता है। जब हम ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लोइंग का मैंने बताया था कि 15 से लगभग 20 मिनट तक हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ब्लोइंग करते हैं। ओके, तो ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ये वाला एक्सिस आपको क्या बता रहा है, ये वाला आपको बता रहा है ऑक्सीडेशन को, कि कितना परसेंट ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस पोजीशन पे अभी 0% ऑक्सीडेशन है, मतलब यहाँ पे हम ब्लोइंग शुरू नहीं किए हैं अभी, तो ऑक्सीडेशन परसेंटेज क्या है, 0 है। तो जैसे जैसे हम ब्लोइंग करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे, है ना, ऑक्सीडेशन करेंगे, ब्लोइंग करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इधर ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, इस ग्राफ में ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लोइंग का जो पीरियड होता है ना 20 मिनट का, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, वर्किंग के हिसाब से उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला जो पीरियड होता है, यहाँ पे जो पीरियड वन यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं सिलिकन ऑक्सीडेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट को सिलिकन ऑक्सीडेशन पीरियड। इस ग्राफ में देखिए आप, ये पहले वाले में, इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम जैसे जैसे ब्लोइंग करते हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सिलिकन है, देखो सिलिकन का जो ग्राफ वो सीधा ऊपर जा रहा है एकदम, मतलब इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो शुरू में क्या हो रहा है, जैसे ही हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सिलिकन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो सिलिकन क्या हो जाता है, 100% ऑक्सीडाइज हो जाता है पहले ही स्टेप में, जिसको बोलते हैं सिलिकन ऑक्सीडेशन पीरियड। ठीक है, अब देखिए इसके आगे समझिए, इस सिलिकन ऑक्सीडेशन पीरियड में ही सिलिकन तो पूरा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये लगभग शुरू के 5 से 6 मिनट में होता है। तो सिलिकन के ऑक्सीडेशन के साथ साथ देखिए बाकी एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन होता है, जैसे मैंगनीज हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया और आयरन हो गया, लेकिन इस फर्स्ट पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सिलिकन ऑक्सीडेशन पीरियड, क्योंकि इसमें सिलिकन जो है ना 100% रिमूव हो जाता है। उसके बाद देखो सेकेंड आपका स्टेज आता है, ये वाले स्टेज, सेकेंड स्टेज को बोलते हैं, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है फुल डीकार्बोनाइजेशन पीरियड। तो ये जो सेकेंड स्टेज है ना, इसको बोलते हैं फुल डीकार्बोनाइजेशन पीरियड, ये भी लगभग 5 से 6 मिनट का होता है। पहला पीरियड भी 5 से 6 मिनट का होता है, दूसरा भी 5 से 6, 7 भी हो सकता है, 5 से 6 से 7 मिनट का लगभग होता है। अब इस पीरियड में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो केवल जो कार्बन का जो ग्राफ है ना, ये वाली जो ग्राफ है जो कार्बन की है, वही ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बाकी जितने भी एलिमेंट है, जैसे मैंगनीज है, यहाँ पे फास्फोरस है, आयरन है, इनका ऑक्सीडेशन रुक गया है। तो जितना भी ऑक्सीडेशन आप जो ऑक्सीजन जो सप्लाई कर रहे हो आप इस पीरियड में, वो पूरा ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है, वो पूरा ऑक्सीजन जो है कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल डीकार्बोनाइजेशन पीरियड। उसके बाद ये भी लगभग 5-6 से 7 मिनट तक चलता है सेकेंड पीरियड भी। उसके बाद आपका चालू होता है थर्ड पीरियड, इसको बोलते हैं कार्बन डिफ्यूज़न पीरियड।
अब देखिए कार्बन डिफ्यूजन पीरियड में क्या हो रहा है, आपका कार्बन जो है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन है थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट घटता है मेटल बाथ के अंदर, तो क्या होता है, कार्बन जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 या CO नहीं बनाता है। ये क्या करता है, अब जो ऑक्सीजन मेटल के अंदर घुल चुका है, ठीक है, जब आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हो तो ऑक्सीजन जो है पहले मेटल में स्टील के अंदर डिजोल्व होता है, फिर रिएक्शन भी करता है। तो इस पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में कार्बन जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करके, कार्बन किससे रिएक्शन करता है, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जो कि डिजोल्व हो चुका है मेटल के अंदर। मेटल के अंदर जो ऑक्सीजन पहले से डिजोल्व है उससे रिएक्शन करता है और CO बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन डिफ्यूजन पीरियड। मतलब डिफ्यूज़ होकर अंदर में ही कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके आपका CO और CO2 बनाता है। अब इस पीरियड में देखिए वापस से जो बाकी एलिमेंट है, जैसे मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन पीरियड होता है ब्लोइंग का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और इसको चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है मेल्टिंग पाथ। मेल्टिंग पाथ में यहाँ पे देखिए आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये आयरन कार्बन डायग्राम है। ये आयरन कार्बन डायग्राम का जो है अपर पोर्शन है ना, अपर पोर्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि प्योर आयरन जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 1539 डिग्री सेल्सियस, है ना। और आयरन कार्बन डायग्राम में आपने एक बात नोटिस किया होगा, जैसे जैसे हम कार्बन इंक्रीज करते हैं आयरन के अंदर, जैसे जैसे कार्बन हम डालते हैं, वैसे क्या होता है, इसका जो लिक्विडस पॉइंट है वो नीचे आते जाता है ना। ये देखो ये ऊपर का जो लाइन है वो क्या हो रहा है, लगातार नीचे आ रहा है, लिक्विडस पॉइंट है ना, या लिक्विडस लाइन। देखो लिक्विडस पॉइंट क्या होता है, लिक्विडस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर मेटल जो है कंप्लीट लिक्विड स्टेट में रहता है। जैसे ये जो लाइन है ना, इसको आप क्या बोलोगे, लिक्विडस लाइन। इस लाइन के ऊपर मेटल क्या है, पूरा लिक्विड है, ठीक है। और इसके नीचे, इस लाइन के नीचे आपका लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। तो लिक्विडस लाइन का डेफिनेशन ये होता है कि लिक्विडस लाइन के ऊपर क्या होता है, मेटल कम्प्लीटली लिक्विड स्टेट में रहता है। अब आपको पता है आयरन में जैसे जैसे हम कार्बन मिलाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घटता है, और तब तक कब तक घटता है, 4.3% तक, ठीक है। आयरन का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कब आपको मिलता है, जब उसमें कार्बन परसेंटेज कितना हो, 4.3% हो। इसको यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। तो यूटेक्टिक पॉइंट में ही इसका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता है। और आपको पता है कि जो पीक आयरन हमको मिलता है उसमें भी लगभग 4% तक, 4.5% तक कार्बन होता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना होता है पीक आयरन का, अराउंड 1147 के आसपास या 1150 के आसपास होता है, है ना। और जो पीक आयरन जो हमको ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है उसका भी टेम्परेचर लगभग 1250 से 1350 के आसपास रहता है, 1250 से 1350 के बीच में रहता है पीक आयरन का टेम्परेचर, ओके। तो इस टेम्परेचर में भी वो लिक्विड कंडीशन में क्यों है पीक आयरन, क्योंकि इसमें कार्बन है, लगभग 4.5% कार्बन है, जिसके कारण वो इस टेम्परेचर में भी लिक्विड कंडीशन में होता है। अब देखिए आप जैसे जैसे आप अब ऑक्सीजन सप्लाई करोगे स्टील मेकिंग के टाइम पे, तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से रिएक्शन करेगा, और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बाहर निकलते जाएगा। तो स्टील में क्या होगा, लगातार कार्बन कंटेंट कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट कम होगा ना, उसका जो लिक्विडस पॉइंट है, स्टील का जो लिक्विडस पॉइंट है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ाते रहना है, टेम्परेचर मतलब बढ़ता ही है रिएक्शन के कारण, टेम्परेचर क्या होता है उसका बढ़ता है, ठीक है। और लिक्विडस टेम्परेचर भी उसका, कार्बन जैसे जैसे कम होता है ना, उसका लिक्विडस जो पॉइंट है वो भी घटता है, बढ़ता है, ठीक है। ये जो कर्व है इस तरफ जाएगा ऐसे, तो ये जो पॉइंट्स आपको दी गई है ना वो यही बता रहा है कि लिक्विडस टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है जब कार्बन का अमाउंट जो है वो घटता है तब। अब यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडस टेम्परेचर। तो जो लिक्विड होता है,
लिक्विड जो मेटल होता है, लिक्विड स्टील होता है, उसका लिक्विडस टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है स्टील का लिक्विडस टेम्परेचर जानने का। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है, आपको लिक्विडस टेम्परेचर पता रहेगा तभी आप एक टेम्परेचर डिसाइड कर पाओगे कि हाँ, इस टेम्परेचर के ऊपर मुझे मेटल को रखना है। ठीक है, अगर आप स्टील को लिक्विडस टेम्परेचर के नीचे ला दिए, उसका टेम्परेचर जो है लिक्विडस टेम्परेचर के नीचे आ गया, तो पूरा मेटल क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। मतलब आपका जितना भी आप मेहनत किए थे सब सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो लिक्विडस टेम्परेचर जानना ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विड स्टील का टेम्परेचर हमेशा ही लिक्विडस टेम्परेचर के लगभग 50 से 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखना पड़ता है, ताकि मेटल आपका सॉलिडिफाई ना हो। और दूसरा कंडीशन ये भी क्या रहता है, जब हम कंटिन्यूस कास्टिंग करते हैं, आखिरी में क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस कास्टिंग करते हैं, तो उस समय भी क्या चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। तो उसी टेम्परेचर में ही आप कंटिन्यूस कास्टिंग कर पाओगे, उससे ऊपर या उससे कम रहेगा ना तो कंटिन्यूस कास्टिंग आप नहीं कर पाओगे। तो लिक्विडस टेम्परेचर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, लिक्विडस टेम्परेचर जानने के लिए ना फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई था, अगर कार्बन परसेंटेज स्टील में 0.5 से कम हो तो, ये जो फॉर्मूला है तब काम आएगा जब कार्बन परसेंटेज कितना हो, 0.5 से कम हो। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये क्या है, लिक्विडस टेम्परेचर इज इक्वल टू 1537 माइनस 73.1% कार्बन माइनस 4% मैंगनीज माइनस 14% सिलिकन माइनस 45% सल्फर माइनस 30% फॉस्फोरस। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस जो कंपोजिशन है मेटल का, जैसे कि कार्बन मान लीजिए 2% है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 73.1 × 4, क्योंकि 4% मान लीजिए 4% कार्बन है, 2% है, तो 2 जो भी है, माइनस 4 × मान लीजिए मैंगनीज जो है वो 0.5% है, तो × 0.5। तो इस तरीके से आप क्या करना है, आपको जो भी परसेंटेज रहेगा ना उसको इस फॉर्मूले में डाल देना है। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले में डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विडस टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना। वैसे ही अगर कार्बन का परसेंटेज 0.5 से 4.4 के बीच है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका काम आएगा, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। और अगर कार्बन का परसेंटेज 4.4 से ज़्यादा है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, लिक्विडस टेम्परेचर स्टील का पता कर सकते हो। आप देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो स्टील के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि जो पिग आयरन आता है वो लगभग 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस में रहता है, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करता है। तो देखिए, आपका जो मेटल होता है ना, वो अगर आप उसको खाली छोड़ दोगे तो वो ठंडा होते रहता है, और ठंडा होने का रेट लगभग होता है 1 से 2% per minute, मतलब हर एक मिनट में वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता जाएगा अगर आप खाली छोड़ देते हैं स्टील को तो। दूसरा क्या होता है, अगर आप 1 टन कोई अलॉयिंग एडिशन करते हैं, या बोल सकते हो 1000 kg जब आप कोई अलॉयिंग एडिशन करते हो, तो स्टील का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए लिक्विड स्टील का टेम्परेचर 1600 है ना। ठीक है, मान लीजिए 100 टन है, 100 टन मेटल का टेम्परेचर कितना है, 1600 डिग्री सेल्सियस, और आप इसमें 1 टन क्या मिला रहे हो, मान लीजिए अलॉयिंग एडिशन कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर घट जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या होता है, जो फॉस्फोरस और सिलिकन जो होता है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। मतलब सिलिकन का ऑक्सीडेशन, सिलिकन और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन जो है ना, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब सिलिकन जब सिलिका बनता है, और फॉस्फोरस जब फॉस्फोरस ऑक्साइड बनता है, तो ये जो रिएक्शन होते हैं ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब सबसे ज़्यादा हीट इसी दो रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। इससे लगभग 26 MJ/ton, है ना, पर टन ऑफ पर 0.1%
प्रोड्यूस होता है। मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए लिक्विड स्टील में अगर 0.1% सिलिकन है, ठीक है, 0.1% अगर सिलिकन है, ठीक है, तो 1 टन स्टील, मान लीजिए 1 टन स्टील में कितने हैं, 0.1% सिलिकन है ना, तो इसके ऑक्सीडेशन से आपका 26 मेगा जूल एनर्जी या मेगा जूल हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है कार्बन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन सेकेंड नंबर में आता है। इसके ऑक्सीडेशन से भी लगभग लगभग आपका 13 मेगा जूल हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, सिलिकॉन फास्फोरस से, उसके बाद होता है कार्बन के ऑक्सीडेशन से। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं, वो है रोल ऑफ स्लैग इन कन्वर्टर स्टील मेकिंग। तो देखिए स्टील मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्लैग ही होता है ना। पहले सेकेंड लेक्चर में मैंने एक चीज़ बोला था, एक कोट आपको बताया था कि ए गुड स्लैग मेकर इज़ ए गुड स्टील मेकर, ओके। तो एक्चुअली में हम स्टील नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं, एक्चुअली में हम स्लैग बनाते हैं। अगर आप स्लैग आपने सही क्वालिटी का बना लिया तो आपका मेटल भी सही क्वालिटी का बन जाएगा। तो रोल स्लैग का रोल क्या होता है, देखिए स्लैग का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़, जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है ना उसको रिटेन करना और अट्रैक्ट करना, उसको रिटेन करना और अट्रैक्ट करना। इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन सी है भाई, SiO2 है, MnO है, P2O5 है, ये सब इम्प्योरिटीज़ है, उसको अट्रैक्ट करना, ये स्लैग का काम है। और अट्रैक्ट करके उसको रिटेन करना, स्लैग के अंदर ही रिटेन करके रखना है ना, ये स्लैग का रोल है, ओके। उसके अलावा स्लैग और भी काम करता है, जैसे स्लैग जो है मेटल को बाहर के एटमोसफियर से भी बचाता है कि बाहर का ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन जो है वो अंदर ना जा पाए, है ना। तो स्लैग कैसे बनता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो इम्प्योरिटी ऑक्साइड होती है उसके साथ जब हम फ्लक्स मिलाते हैं तो हमारा स्लैग बनता है, ओके। तो फ्लक्स के साथ साथ कभी कभी फ्लोर स्पार भी मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ है, फ्लोर स्पार, इसको बोलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। ये एक्चुअली में जो स्लैग होता है उसकी फ्लूडिटी को बढ़ाने का काम करता है, फ्लूइड बनाता है, जो गाढ़ा रहता है ना, जो स्लैग में जो गाढ़ापन रहता है उसको और पतला बनाता है, क्योंकि जो स्लैग है ना वो फ्लूइड होना चाहिए, अच्छे से बहना चाहिए, पतला होना चाहिए स्लैग, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना वो फ्लूडिटी उसकी अच्छी होगी उतना अच्छा वो रिएक्शन करेगा, स्लैग जो है उतना अच्छे से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्लैग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्लैग मतलब होना कैसे चाहिए। तो स्लैग जो है जैसे मैंने अभी बताया कि फ्लूइडिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए, आसानी से बहना चाहिए। तो फ्लूइडिटी अगर उसकी अच्छी होगी ना तो वो वहाँ पे क्या होता है, मास ट्रांसफ़र बहुत आसानी से होता है। जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये एक बॉर्डर लाइन है, इसके नीचे आपका मेटल है, इसके ऊपर आपका क्या है, स्लैग है। तो मेटल और स्लैग के बीच में क्या होता है भाई, मास ट्रांसफ़र होता है। मास ट्रांसफ़र मतलब जो ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड शुरू में कहाँ बनेगा, ऑक्साइड पहले मेटल साइड में बनेगा। मान लीजिए इधर SiO2 बना, तो भाई ये मान लीजिए SiO2 बना मेटल में बना, लेकिन उसको जाना कहाँ है, स्लैग में जाना है ना अल्टीमेटली। तो ये मास ट्रांसफ़र होना चाहिए दोनों के बीच, स्लैग और मेटल के बीच, तभी ये सिलिकन क्या करेगा, ऊपर जाएगा, सिलिका जो बन चुका है ना वो स्लैग को ज्वाइन करेगा, है ना। तो ये मास ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो ये जब पतला होगा, फ्लूडिटी अच्छी होगी, तब मास ट्रांसफ़र जो है वो जल्दी हो पाएगा। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, दोनों का जो एरिया है, स्लैग और मेटल का जो कांटेक्ट एरिया है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कांटेक्ट जहाँ पे रहेगा वहीं पे मास ट्रांसफ़र होगा, तो दोनों के बीच कांटेक्ट एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो कांटेक्ट एरिया हम कैसे बनाते हैं ज़्यादा, उसको हम लोग अभी देखते हैं। चलो अब एक बार फॉर्मेशन ऑफ स्लैग देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जैसे ही आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो मेटल में, पिग आयरन में, जैसे ही आप ऑक्सीजन देते हो जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो ऑक्साइड बनाती है, फिर हम उसमें धीरे धीरे क्या डालते हैं, फ्लक्स डालना चालू करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, वो स्लैग जनरेट होता है। यहाँ पे अब देखो एक चीज़ समझने वाली है, मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि शुरुआत में जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं लेंस के थ्रू, तो लेंस का हाइट थोड़ा ऊपर होता है, बाथ लेवल से ना लेंस का हाइट लगभग 2.5 मीटर ऊपर होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। तो शुरुआत में जब लेंसिंग करते हैं, जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना, तो बहुत हाई स्पीड से नहीं होता है, स्पीड उसका थोड़ा स्लो होता है, शुरुआत में जो ऑक्सीजन का स्पीड होता है ना थोड़ा स्लो होता है।
तो वो जो ऑक्सीजन है ना वो अंदर तक नहीं जा पाता, जाता है लेकिन बहुत अंदर तक ऑक्सीजन शुरू में नहीं जा पाता। उसके कारण क्या होता है, ये ऊपर के जो आयरन होता है उनसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, आयरन और सिलिकन से। शुरुआत में जब लेंस का हाइट बहुत ज़्यादा है तो आयरन जल्दी जल्दी आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ओके, और यही आयरन ऑक्साइड क्या करता है, स्लैग फोमिंग को प्रमोट करता है। स्लैग फोमिंग, अब एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, स्लैग फोमिंग क्या है, देखो ये जो FeO है स्लैग में और जो आपका कार्बन है वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है ना, तो ये दोनों मिलके FeO और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिलके क्या करता है, अब फोम बनाता है। फोम मतलब झाग, है ना, जैसे आप लोग देखा होगा दूध को उबालते हैं तो कैसे उसमें एकदम जब उबलता है तो कैसे उसमें से एकदम फोम निकलता है झाग जैसे, वो क्यों निकलता है, वो गैसेस के कारण होती है वैसा, है ना। तो उसी तरीके से स्टील मेकिंग में भी जब से आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे ना तो उसमें क्या होता है, फोमिंग होता है, इसको स्लैग फोमिंग बोलते हैं। वो दो कारण से होता है, एक FeO के कारण से, दूसरा CO गैस के जनरेशन से। अब देखिए ये जो स्लैग फोमिंग है ना बहुत ज़रूरी होता है स्टील मेकिंग में। क्यों ज़रूरी होता है, देखो जितना अच्छा स्लैग फोमिंग जितना ज़्यादा होगा ना, जैसे मान लीजिए स्लैग का फोम है, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, कॉन्टेक्ट एरिया मिलेगा। किसके किसके बीच कॉन्टेक्ट एरिया मिलेगा, मेटल और स्लैग के बीच, है ना, क्योंकि फोम बन गया बहुत सारा, ठीक है, फोम बन गया तो ऐसे बहुत सारे फोम बन गए तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है मेटल और स्लैग के बीच में, तो उससे मास ट्रांसफ़र काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। जो ऑक्साइड है वो कहाँ जाएगा, स्लैग को ज्वाइन करेगा, और कुछ FeO है जो स्लैग में है, अभी कुछ FeO जो स्लैग में चले गए हैं वो कार्बन वगैरह से या सिलिकन वगैरह से रिएक्शन करके फिर से आयरन बन जाते हैं, प्योर मेटल बन जाता है, ये मेटल की ओर आता है। तो स्लैग और मेटल में दोनों तरफ मास ट्रांसफ़र होता है, तो ये जब अगर स्लैग फोमिंग होगा ना तो बहुत ही आसानी से मास ट्रांसफ़र होता है, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन दिया गया है, इसको मैंने आपको कई बार बता दिया है कि इम्प्योरिटी ऑक्साइड है, जब हम उसके साथ फ्लक्स मिलाते हैं तो हमारा बनता है स्लैग। ओके, अब यहाँ पे देखो ब्लोइंग प्रैक्टिस अभी मैंने जस्ट बताया कि ब्लोइंग प्रैक्टिस जो है वो दो होता है। पहला होता है सॉफ्ट ब्लोइंग मैंने बताया ना, शुरुआत में जो है हाइट थोड़ा ऊपर रहता है लेंस का, है ना, लगभग 2.5 मीटर हाइट पर रहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्लोइंग, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो अंदर तक नहीं जा पाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्लोइंग। उस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर आयरन जो है जल्दी जल्दी ऑक्साइड बना लेता है, और सॉफ्ट ब्लोइंग के टाइम पे ना आयरन ऑक्साइड और SiO2 ज़्यादा बनता है, है ना, और FeO बनना ज़रूरी है क्योंकि ये स्लैग फोमिंग को प्रमोट करता है, इसलिए सॉफ्ट ब्लोइंग भी ज़रूरी है। उसके बाद 5 से 6 मिनट के बाद क्या करते हैं, जो हाइट होता है लेंस का हाइट उसको कम करते हैं, ठीक है, 5 से 6 मिनट बाद लेंस को और नीचे लाया जाता है, नीचे लाते हैं लगभग 1.6 मीटर नीचे लाते हैं, है ना, बात और लेंस के बीच का हाइट कितना रखते हैं, 1.6 मीटर, तो इसको बोलते हैं हार्ड ब्लोइंग, क्योंकि आपने लेंस को नीचे ला दिया तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक पेनिट्रेट करता है, पूरे बॉटम तक, पूरे बात को क्या कर देता है, वो पूरा स्टीयर कर देता है, पूरा ऑक्सीजन पूरा जो है पूरे बात के बॉटम तक चला जाता है, इसको बोलते हैं हार्ड ब्लोइंग। तो हार्ड ब्लोइंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बताया ना, जब सॉफ्ट ब्लोइंग करते हैं तो मेटल ऑक्सीजन पूरा अंदर तक नहीं जा पाता था, उस कंडीशन में केवल आयरन और सिलिकन ऑक्सीडाइज होता है ना, तो जब हार्ड ब्लोइंग जब करते हैं ना तब जाके आपका बाकी जो एलिमेंट है, मैंगनीज है, आपका फॉस्फोरस है और कार्बन है, वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो ये दोनों ब्लोइंग बहुत ज़रूरी होता है, पहले सॉफ्ट ब्लोइंग करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हार्ड ब्लोइंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट ब्लोइंग और हार्ड ब्लोइंग के बारे में बताया गया कि सॉफ्ट ब्लोइंग हो जो होता है ना वो स्लैग फॉर्मेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, FeO कंटेंट स्लैग में बढ़ाता है, है ना, ये स्लैग फोमिंग को भी प्रमोट करता है, क्योंकि FeO जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा स्लैग फोमिंग होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मैंने इस लेक्चर में आपको क्या क्या बताया एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ।
हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो जो ब्लोइंग जब हम करते हैं तो उसके तीन पीरियड होता है। एक होता है सिलिकॉन ऑक्सीडेशन पीरियड, जिसमें पूरा का पूरा सिलिकॉन क्या हो जाता है, ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। सेकेंड होता है आपका फुल डिकार्बोनाइजेशन पीरियड, इसमें क्या होता है, इस पीरियड में केवल और केवल केवल जो कार्बन होता है वही ऑक्सीडाइज होता है, बाकी कोई एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, कार्बन डिफ्यूजन पीरियड, जिस पीरियड में क्या होता है, कार्बन जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, कार्बन जो है होता है वो जो ऑक्सीजन घुला हुआ है मेटल के अंदर, जो ऑक्सीजन घुला हुआ है ना, उससे रिएक्शन करता है। तो इस वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो ये लगभग तीन स्टेज होता है, तीनों स्टेज लगभग 6 से 7 मिनट का होता है। इस तरह लगभग टोटल आपका जो ब्लोइंग पीरियड है ना वो 20 मिनट का होता है। उसके बाद हमने देखा था कि मेल्टिंग जो है, लिक्विडस टेम्परेचर जो है स्टील का बढ़ता है जैसे जैसे उसमें कार्बन कम होता है। उसके बाद हमने देखा कि लिक्विडस टेम्परेचर जो है उसको हम निकाल सकते हैं मेटल का उसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से, जैसे कॉम्पोजिशन होगा इस फॉर्मूले में डालिए आपको लिक्विडस टेम्परेचर पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर जो होता है स्टील का, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने स्लैग के बारे में जाना कि स्लैग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्लैग की प्रॉपर्टी हमेशा ये होनी चाहिए कि वो फ्लूइड होना चाहिए, अच्छे से बहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा, विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। उसमें फोमिंग होना चाहिए, स्लैग फोमिंग होना चाहिए, और स्लैग फोमिंग कौन प्रमोट करता है, Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों मिलकर स्लैग में फोम बनाता है। इससे कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता है स्लैग और मेटल का, जिससे हीट ट्रांसफ़र जल्दी होता है ना, इससे रिएक्शन जो है फास्ट होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, तो चलिए हम थर्ड लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम इसके आगे का जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।